आयू पी एस सी नेमिंग फॉर अल्कि कंपाउंड तो जब भी आप अकिन कंपाउंड की आयु पी एस सी नेमिंग करते हो तो सबसे पहला रूल क्या होता है आपको कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करनी है आपको कार्बन की उस लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो तो सबसे पहले हम कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेते हैं तो अगर हम इस चेन को देखें तो इस चेन में यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है देन नेक्स्ट अगर हम इस कार्बन की चेन को देखें तो इसमें भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ऑलराइट तो यहाँ पर हमें दो तरीके की चेन दिख रही है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो कौन सी कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये है सिक्स कार्बन की चेन जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है अगर हम इसे काउंट करें वन टू थ्री फोर फाइव तो ये फाइव कार्बन की चेन जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पर ये यह जो कार्बन की चेन है यही कार्बन की लॉन्गेस्ट है राइट देन नेक्स्ट नंबरिंग नंबरिंग कहाँ से करोगे तो जब भी कम, आप अल्किन कंपाउंड की आई नेमिंग करते हो तो आपको नंबरिंग वहां से करनी है जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़े तो यहां से डबल बॉन्ड पास में पड़ेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स देन नेक्स्ट अभी यहां पर देखिए लॉन्गेस्ट चेन के बाहर यहां पर क्या प्रेजेंट है सब्सिटूट प्रेजेंट है तो सबसे पहले हम मैंशन करेंगे सब्सिटेंट को फोर्थ कार्बन पर प्रेजेंट है सब्सट दट इज मिथाइल ग्रुप तो यहाँ पर हम लिखेंगे फोर मिथाइल देन नेक्स्ट लॉन्गेस्ट में सिक्स कार्बन है सो वर्ड रूट आ जाएगा हेग्स सेकेंड कार्बन पर प्रेजेंट है डबल बॉन्ड सो पोजिशन मैंशन करेंगे टू और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स लगता है इन सो दिस इज फोर मिथाइल हेग्स टू इन